सूरत सिटी क्राइम ब्रांच को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि एक व्यक्ति है जिसकी हिलचाल कुछ इंटरनेशनल टाइप की है, तो उसको वॉच में थे, या आज चौक बाजार एरिया है सूरत सिटी में, वहां से इसको पकड़ा जो डिटेन किया, उसके बाद तुरंत इसके मोबाइल वगैरह सब चेक किया गया। पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूअसली चैटिंग करता था वेपन की जो डिमांड के, तो पाकिस्तान से इसको बोला भी गया जल्दी आपको जो हम वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक उपदेश राणा के अलावा जितने भी ऐसे हिंदू वादी जो लीडर्स हैं या जो कोई ऐसे महानुभाव हैं जिनके स्पीचेस में कभी इस तरह की चीजें आई हैं, जिसमें खास करके नूपुर शर्मा और हैदराबाद के हिंदूवादी लीडर राजा सिंह जी और सुदर्शन न्यूज चैनल के जो एडिटर इन चीफ हैं सुरेश चौहान जी, इनका भी उसमें पूरा जिक्र है। सूरत सिटी क्राइम ब्रांच को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि एक व्यक्ति है जिसकी हिलचाल कुछ इंटरनेशनल टाइप की है, तो उसको वॉच में थे, या आज चौक बाजार एरिया है सूरत सिटी में, वहां से इसको पकड़ा जो डिटेन किया, उसके बाद तुरंत इसके मोबाइल वगैरह सब चेक किया गया, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें निकली मोबाइल से जिसके अंदर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूअसली चैटिंग करता था और सोशल मीडिया के अलग अलग ऐप के द्वारा ये बातें करता था। उस इसमें पूरी जो डिटेल्स हम लोगों ने निकाली, उस डिटेल में इसने यहाँ पे एक हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिस्टर उपदेश राणा, इनको ऑलरेडी पहले भी धमकियां दी जा चुकी हैं और उनको टारगेट करने का पहले इसका वो प्लान था, वो विद फोटोग्राफ्स वगैरह पूरी डिटेल के साथ इसने सब रेकी भी हो गई थी। तो उसके बाद इसने वेपन की जो डिमांड की, तो पाकिस्तान से इसको बोला भी गया जल्दी आपको जो हम वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं, और 1 करोड़ रुपए का भी इन्होंने ऐसी बातें किया कि जितने इनके फर्दर टारगेट्स हैं उसको मारने के लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं जो है। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा पूरा कि एक उपदेश राणा के अलावा जितने भी ऐसे हिंदू वादी जो लीडर्स हैं या जो कोई ऐसे महानुभाव हैं जिनके स्पीचेस में कभी इस तरह की चीजें आई हैं, जिसमें खास करके नूपुर शर्मा और हैदराबाद के हिंदूवादी लीडर राजा सिंह जी और सुदर्शन न्यूज चैनल के जो एडिटर इन चीफ हैं सुरेश चौहान जी, इनका भी उसमें पूरा जिक्र है कि इनका भी टारगेट करना है, और इसके लिए इन्होंने अभी नबी की शान में जो गुस्ताखी करने वाले हैं उनको हमको नहीं छोड़ना है, इस तरह करके एक टाइटल बनाया था, उसके अंदर ये सब पूरा चैटिंग करते थे। तो इसके उसके बाद भी देखा गया मोबाइल में, तो ऐसे ऑब्जेक्शनेबल, काफी ऑब्जेक्शनेबल जो चैटिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स या ऐसी फोटोग्राफ्स मिली हैं जो कि धार्मिक भावनाओं के बहुत ज्यादा ये आहत करती हैं, तो उसके हिसाब से हमें ये भी लग रहा था, अगर एक भी जिस ढंग से ये अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और ये बार बार ये आग्रह रख रहा था कि एक टारगेट गुजरात में है तो उसको जल्दी जल्दी से हम टारगेट करें, तो कम्युनल हारमोनी को भी डिस्टर्ब पूरे करें, ऐसी भी एक संभावना थी। तो इसमें फर्दर जो हमारी डिटेल ये चल रही, ये रहने वाला सूरत के कठोर गांव है, कामरेज तालुका का वहां का रहने वाला है, सूरत सिटी में ये एक धागा फैक्ट्री है वहां पे मैनेजर काम करता है, और अपने गांव में जो बच्चों को जो है रिलीजियस जो प्रीचिंग जो उनको धार्मिक चीजें पढ़ाने का भी काम करता है। आरोपी कई अलग अलग देशों के संपर्क में था, पाकिस्तान के कुछ आरोपियों के और नेपाल के कुछ लोगों के संपर्क में था, तो उनके संपर्क में कैसे आया और कितने देशों के संपर्क में? ये जो इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू और ये जब चालू किया इसके बाद रेडिकलाइज्ड अपना कमेंट्स डालना, तो इमीडिएटली इनका कॉन्टेक्ट जो है पाकिस्तान, नेपाल और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इंडोनेशिया है, वियतनाम है, वहां पे बना, और ये वर्चुअल नंबर जो लाओस देश का नंबर यूज करता था ये, तो सारा जो पूरा ग्रुप जो बातें करता था वो सारे वर्चुअल नंबर पे होते हैं, जिनको थोड़ा सा डिटेक्ट करना भी एक तरह से डिफिकल्ट होता है, ऐसे ऐप भी यूज कर रहे थे उसको भी डिटेक्ट करना भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो ये वेल प्लान ढंग से, वेल ऑर्गेनाइज ढंग से सारे काम कर रहे थे। तो वो जितने भी इनके दूसरे हैंडलर हैं उनका भी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारी जो एजेंसीज हैं सेंट्रल एजेंसीज हम उनको भी कॉन्टेक्ट में हैं, जो फर्दर हमारे इसमें डेवलपमेंट होगा वो आगे आगे हम इसमें आगे करते जाएंगे।